गुड मॉर्निंग गाइस, अभी आ गई हूँ मैं लियो को लेके। देखो एकदम मस्ती कर रहा है, उसको अपने लीज पकड़ के खुद ही चलना है। और सनराइज देखो कितना सुंदर लग रहा है। अभी 6 बज रही है, मुझे बच्चों को छोड़ने जाना है अभी टेनिस में, क्योंकि आज टेनिस है उनका। तो देखिए, तो अभी जा रही थी मैं बच्चों को लेके टेनिस में, लेकिन खुशी ने अचानक से किया हुआ, तो मैंने बोला क्या हुआ कि रोड पे एक भी कार नहीं दिख रही, क्योंकि आज है सैटरडे और सैटरडे को छुट्टी का दिन है, तो लोग एक दो लोग वॉक कर रहे हैं, वॉक भी नहीं करते हैं लोग तो छुट्टी के दिन। पूरा एम्प्टी रोड हो रखा है, अभी 6 बज रही है, 6:15 हो रहे हैं सुबह, और पूरा रोड मतलब सुनसान, एक कार आ रही है सामने से बस। तो गाइस अभी हम आ गए हैं टेनिस ग्राउंड में और बच्चे टेनिस खेल रहे हैं। एक ही घंटे का है तो मैं यहीं पे बैठी हूँ, और ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 5 मिनट का ड्राइव है हमारे घर से यहाँ टेनिस ग्राउंड तक। और 4 बच्चे हैं ये मॉर्निंग सेशन के लिए, प्राइवेट सेशन करवाते हैं हम लोग वेनसडे फ्राइडे एंड सैटरडे। तो आज सैटरडे है, तो गाइस आज सुशांत और सुशांत के पापा जा रहे हैं कितने दिन के लिए, खुशी 4 दिन के लिए, और एक्चुअली सुशांत का वीज़ा करवाने के लिए, स्टडी वीज़ा। बोतल पानी जाता है रावत जी, मिनी वेकेशन, मिनी वेकेशन, वेकेशन नहीं, काम से जा रहे, काम से जा रहे, ये उसका वेकेशन नहीं बोलते, इसका वेकेशन नहीं बोलते। तो मैं इन लोगों को एयरपोर्ट छोड़ने जा रही हूँ अभी। तो गाइस हम पहुँच गए एयरपोर्ट, और मैं और खुशी अकेले 4 दिन तक हैं, खुशी टू और मैं अकेले। यहाँ पे आपको जितनी भीड़ दिख रही है ना, ये अमेरिकन एयरलाइंस की है जो मायामी जाती है। तो अभी हम फिर से शाम को आ गए हैं टेनिस ग्राउंड में, शाम को 4 बजे का टेनिस था खुशी का। और मेरे जितने भी वीडियो में आप देखोगे, या तो मैं टेनिस ग्राउंड में ज़्यादा होती हूँ या फिर अपने गार्डन में, क्योंकि टेनिस में बच्चे सुबह शाम जाते हैं तो उनके साथ मैं ही ज़्यादा जाती हूँ, और कभी रुक जाती हूँ। जैसे आज सुशांत नहीं है तो मुझे यहाँ पे रुकना है, और अगर सुशांत होता है तो कभी कभी मैं ड्रॉप करके घर चले जाती हूँ, क्योंकि मुझे गार्डन में भी बहुत सारा काम होता है, फिर घर के बहुत सारे काम होते हैं, तो वो सब मुझे अकेले करने पड़ते हैं। तो बस अभी हम जाएँगे 6 बजे घर। सो गुड मॉर्निंग गाइज, कल रावत जी के और सुशांत के जाने के बाद हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाई, और मैं और खुशी बिल्कुल अकेले, ऐसे लग रहा था पता नहीं, घर पूरा खाली खाली लग रहा है। मेरे को पसीने देखो, मैं बार बार पहुंचने में लगी हुई, इतनी सुबह सुबह अभी मैं शॉवर करके निकली, लेकिन इतनी गर्मी है ना बाहर। और मैं और खुशी जा रहे हैं अभी नेवीस दूसरे आइलैंड में खुशी के टेनिस के लिए, बस दिन में आ जाएंगे। 15 मिनट की सी टैक्सी है, मतलब बोट से, और यहाँ से 10 मिनट लगेंगे ड्राइव करने में वहाँ तक। तो अभी हम निकल रहे हैं, खुशी तैयार हो रही है, मैं तैयार हो गई हूँ, अभी 7 बजने में 10 मिनट हैं, तो 7:30 की टैक्सी है हमारी, तो इसलिए हम लोगों को जल्दी जाना है। अभी हम जा रहे हैं, और अभी हम पेनिनसुला में पहुँच गए हैं, तो इतनी दूर नहीं है हम। देखो यहाँ पे इतने सारे रॉक्स हैं, और तब जब मम्मी को सब कुछ दिख रहा है, नेविस माउंटेन ग्रास सब कुछ, मतलब और एक साइड से अटलांटिक है और दूसरी साइड वहाँ पे कैरेबियन सी है, तो दो डिफरेंट टाइप की सी है हमारे बगल में। हम बीच से जा रहे हैं, हाँ बीच में रोड बनी है पहाड़ी में, बीच से जा रहे हैं। पता है पेनिनसुला 3 डिफरेंट आइलैंड होते थे पहले, बट लैंड ऊपर आ गया, तो या तो पहले में हम यहाँ नहीं आ सकते थे क्योंकि इधर पानी था, बट अब लैंड ऊपर आ गया है तो इसलिए जा सकते हैं। देखो अटलांटिक ओशन मस्त लग रहा है, मस्त। तो गाइस ये है कैरेबियन सी, तो मैंने पहले अटलांटिक ओशन दिखाया था, बट अब यहाँ पे कैरेबियन सी है, और अभी हम पहुँचने ही वाले हैं, बहुत क्लोज है अभी। देखो कैरेबियन सी वहाँ पे, देखो और वहाँ पे है जहाँ हम रहते हैं टाउन और वो सब।
गाइज अभी हम पहुंच गए हैं नेविस, और नेविस में हम डायरेक्ट टैक्सी पकड़ के सीधा जा रहे हैं फोर सीजन होटल में, क्योंकि वहाँ पे कोच फोर सीजन का जो कोच है प्रो कोच, उनके साथ बच्चे आज ट्रेनिंग लेंगे। हफ्ते में एक दिन होता है, तो मे बी हम हर सैटरडे को आएंगे यहाँ पे। आज संडे है, सैटरडे कैंसिल हुआ था तो संडे को आए हैं, लेकिन वैसे सैटरडे को होता है नॉर्मली। लास्ट वीक से शुरू हुआ है, लास्ट वीक हम नहीं गए थे, ये हमारा पहले वीक है यहाँ पे, पहला दिन है मतलब। So you have to focus today. Briella, where is your bag? Briella. तो गाइज अभी बच्चों को ट्रेनिंग शुरू हो गया था, तो हम लोग इधर रेस्टोरेंट की तरफ आए थे, क्योंकि जो मेरे साथ दो लेडीजें आई हैं इनको ना ब्रेकफास्ट करना था, तो ब्रेकफास्ट करने के लिए ये लोग आए हैं। मैं तो करके आई थी घर से, तो खुशी को भी करवा के आई, तो बस हम लोग इधर थोड़े बैठ के कॉफ़ी वॉफी पियेंगे, उसके बाद जाएंगे ट्रेनिंग में, क्योंकि 3 घंटे का लंबा ट्रेनिंग है तो हमें बैठना पड़ेगा। घर तो जा नहीं सकते, तो बैठना ही है। काफ़ी अच्छा था सेशन आज का हमारा, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, और अगले हफ्ते मैं सुशांत को भेजूंगी खुशी के साथ, क्योंकि उसका ट्रेनिंग भी हो जाएगा और उसका मेरे को आने की ज़रूरत नहीं। अगर सुशांत रहता है ना साथ में, तो बड़ा भाई साथ में है तो मुझे टेंशन नहीं रहती है, लेकिन जब सुशांत नहीं रहता तो मुझे जाना पड़ता है। इसके बाद निकल गए हम अभी घर के लिए टैक्सी पकड़ के, टैक्सी सी टैक्सी में जाने के लिए, तो बस वहाँ से फिर 15 मिनट हमारे उधर सेंटकिस पहुँचने के लिए, और वहाँ से 10 मिनट के ड्राइव घर के लिए। तो बस हो गया हमारा आज का दिन पूरा, उसके बाद शाम को तो आज हम आराम करेंगे, आज हम कोई टेनिस नहीं जाएंगे। तो दोस्तों जितनी गर्मी यहाँ पे हो रही है ना, लेकिन इस हरियाली को देखते आपको लगेगा कि यहाँ तो कभी गर्मी पड़ती नहीं है, लेकिन यहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है। और ज़्यादातर इनमें से देखो कोकोनट के पेड़ हैं और मैंगो के, क्योंकि यहाँ पर फ्रेश फ्रूट बहुत सारे होते हैं, अगर ये लोग उगाना चाहें तो मतलब जंगल के जंगल बन जाते हैं। तो अभी मैं ये वीडियो को इधर ही एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, थैंक यू।